खबर इस वक्त अमेरिका से है। भारतीय महिला का अपहरण हुआ है। महिला का नाम जूडिथ डिसूजा बताया जा रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ में काम करती हैं। जूडिथ कोलकाता की रहने वाली हैं। सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय महिला कर्मचारी को बंधक बना लिया गया है, जिसके बाद उनके नाम की जानकारी अभी तक मिल पाई है और साथ ही ये कि वो कोलकाता की रहने वाली बताई जा रही हैं। जूडिथ डिसूजा जिनका अपहरण किया गया है। जी मीडिया संवाददाता मनीष इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। मनीष, आपके पास क्या डिटेल्स? देखिए पूर्णिमा, दो अलग अलग मामले हैं। एक मामला है कि अफगानिस्तान के काबुल में एक भारतीय महिला एक एनजीओ में काम करती थी और वो उसी सिलसिले में देर रात में बाहर निकली थी और काबुल के नजदीक उसको किडनैप कर लिया गया है। अभी किसने किडनैप किया है इस बारे में जानकारी नहीं, हो सकता है तालिबान ने किया हो या किसी और ने किया हो। और भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अफगानिस्तान के सरकार से संपर्क में है और इस महिला के बारे में पता कर रहे हैं। दूसरी खबर सऊदी अरब के रियाद से है, जहां पर एक इम्प्लाई महिला है भारतीय, जिसको उसके मालिक ने जिस जगह काम करती है उसने बंधक बना लिया। कई बार देखा जाता है रियाद जैसे जगहों पे सऊदी अरेबिया में अक्सर ये घटनाएं सामने आती है, लेकिन अफगानिस्तान में जो हुआ है उसको लेकर के खासा कंसर्न जताया जा रहा है, अगर इसके पीछे तालिबान या कोई दूसरा संगठन हुआ तो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। तो एक अफगानिस्तान में जहां पर एक महिला का अपहरण हुआ है और दूसरी जो जानकारी मिल रही है वो सऊदी अरब के रियाद से है। यहां पर भी एक महिला कर्मचारी को बंधक बना लिया गया है। एक ब्रेक ले, यहां पर रुकेंगे, लौटेंगे फॉर